हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज देखते हैं सोपता क्या होता है, यानी सोप पिट। इसको आप अपने घर में बना सकते हैं भाई, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही होगा आपको। सोप पिट, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप पानी इकट्ठा करते हो बाथरूम का, किचन का, वो सारा इस गड्ढे के अंदर चले जाता है, यानी कि आपका पानी नाली में नहीं जाएगा। तो जैसे आप अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ को देखो तो उसमें मैंने आपको दिखाया है कि कैसे आप गड्ढा कराओगे, कैसे आप सोप पिट बनाओगे। पर इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि डिटेल में आप जो है कैसे ये सोप पिट को बना सकते हैं। यहाँ पर दो तीन बंदों की तो देखो ज़रूरत है ही, क्योंकि यहाँ पर बारी बारी से काम होता है। ये जो आपको भाई दिख रहा है, ये कम से कम 11 फीट नीचे गड्ढे में, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन बिल्कुल कम होती है, तो इसलिए बाल्टी की मदद से ऊपर से जो है खींच रहा है मिट्टी को और यहाँ पर मिट्टी डाल दे रहा है। ठीक है, अब ये देखो दूसरा भाई चले गया, ये फावड़ा मार रहा है। चलो अब आपको लेके चलता हूँ इस गड्ढे के बाद हम करेंगे क्या। तो ये है रोड़ा, रोड़ा यानी कि ईंट का टुकड़ा। जब भी कोई मकान टूट जाता है या फिर कोई मलबा मिलता है इनको, तो ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं। आप किसी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने पास के डीलर से, है ना, वो इस रोड़े को ट्रॉली में डाल लेगा। तो इसमें जो है हमारा जो सेफ्टी टैंक है 12 फीट का, इसमें कम से कम 2.5 या 3 ट्रॉली तो जाएंगी ही, 2.5 या 3 ट्रॉली, 3 ट्रॉली मान लो, तो इसमें रोड़ा जाएगा। रोड़ा क्या करता है, जो ईंट का टुकड़ा है ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या कर लेगा, अपने आप में सोख लेगा, है ना, जिससे कि सारा पानी जो है ज़मीन में चले जाएगा। सोप पिट क्या होता है कि नाली का एक तो झंझट खत्म हो जाता है, नाली में कचरा फंसता है, पूरा गीला रहता है। तो हमने कुछ इस तरीके से सोप पिट को तैयार कर लिया। देखो रोड़ा जो है ये पूरा रोड़ा है, ठीक है ना, जो हमने JCB की मदद से डाला था। अब ये सारा रोड़ा नीचे डाल देंगे, पानी को एब्जॉर्ब तो करेगा ही, पूरा मलबा नीचे, पानी नीचे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये टी पॉइंट है, एक एल्बो है और ये पाइप है 3 फीट का। तो हम इस तरीके से यहाँ से जो आप देख सकते हैं, यहाँ से पानी निकलेगा और ये नीचे चले जाएगा। तो टी पॉइंट यहाँ पर लगा रहे हैं ताकि हम यहाँ से ऊपर एक पाइप और दे सकें। फ्यूचर में अभी कभी हम कुछ कनेक्शन कोई प्रॉब्लम हो जाती तो उस पॉइंट से हम कनेक्ट कर लेंगे इसको। और जहाँ पे आपको ब्लैक टी शर्ट में भाई दिख रहा है, यहाँ पे इसका हाथ है ना, तो यहीं से हम इस पॉइंट को कनेक्ट कर लेंगे आगे की तरफ के लिए। जो हमने पाइप डाला इसमें बहुत सारे कट मार देंगे छोटे छोटे, जो कि हम आरी की मदद से छोटे छोटे कट मार लेते हैं ना इसमें, ताकि पानी जो है इधर उधर निकल जाए और जो है हमारा पानी भी बहुत बचेगा इसमें, है ना। पूरा पानी जो है ज़मीन में चले जाता है, इससे पानी की बचत तो होती है ना, नेचर के लिए अच्छा है। तो देखो ये भाई कट कर रहा है आरी की मदद से, थोड़े थोड़े कट मार रहा है ना, पानी नीचे चल जाए। तो हम इसको किस तरीके से एल्बो को हम इसमें कनेक्ट करेंगे, है ना, एल शेप का जो होता है। तो जैसे ये फिट बैठेगा इसमें हम चिनाई कर देंगे ईंटों की, पहले गिर तो बढ़िया से, उसके ऊपर से हम रोड़े डालेंगे और सीमेंट और प्लास्टर जैसा होगा वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो भाई बहुत हार्डवर्क का काम है, सच में बता रहा हूँ, 2 या 3 बंदे तो इसमें चाहिए ही, और दिल्ली में तो इसकी ज़रूरत है क्योंकि नाली जो है ब्लॉक हो जाती है। तो ये पाइप देखो, इस पाइप में ही हम कनेक्ट करेंगे, रोड़ा तो डाल दिया है। ठीक है, तो आगे ले चलता हूँ मैं आपको वीडियो में। तो यहाँ पर किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं इसको एडजस्ट करने की। ये वाला पॉइंट है जो हमने टी पॉइंट से मैं आपको बता रहा था, जो टी पॉइंट की ज़रूरत है ताकि हम फ्यूचर में कभी बाद में इसको ऊपर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये कटिंग कर रहा है, इसको जोड़ेगा। चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको चिनाई कैसे होती है इसकी, है ना। तो ये देखो भाई लोग चिनाई कर रहे हैं, जैसे चिनाई हो जाएगी यानी कि अच्छे से मजबूत हो जाएगी ये चीज़, पानी जो है कभी ब्लॉक नहीं होएगा, है ना। ये कम से कम नहीं भी तो चलेगा, 10-15 साल चलेगा। तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी, हमें पॉलीथीन लगानी है इसके ऊपर से, जब रोड़े भर जाए ना पूरे, देखो ज़मीन के लेवल तक हमने ईंटों को भर लिया है। ईंटों की कैपेसिटी, ईंटों की क्या क्वालिटी होती है कि एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को। तो हम प्लास्टिक ऐसे लगा लेंगे इसको ताकि ऊपर से पानी कभी नीचे ना बैठे, है ना, जो हमारा अंदर का जो कनेक्शन का पानी है वही इसमें जाए। तो 10-15 साल तो चलता ही है, बाकी आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं भाई, अगर आपको और डिटेल में चाहिए होगा तो। ये रास्ता आप देख ही लिया आपने, है ना, इसमें सीमेंट करी बाद में, इसके ऊपर से भी सीमेंट हो जाएगी। यही वाला जो पॉइंट है हम टी पॉइंट से नीचे जोड़ा है, दिखा लेता हूँ अंदर क्या है इसके। तो ये हमने छोटे छोटे कट मारे हुए, देखा है ना आपने, बिल्कुल इससे पानी निकलेगा। तो हम इस तरीके से इसको कर लेंगे भाई, यहाँ पर मिट्टी डाली। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट टाइम है कि हम इसमें जो है सरिया लगाएंगे। सरिया वही 60-62 रुपये किलो आपको मिल जाएगा, 60 या 62 kg। तो इसमें हम वायर से इसको बांध लेंगे ताकि ये मजबूत रहे और एक काम करे कि जिससे बंदा ऊपर से चल सकते हैं।
और अगर आप पॉलीथीन लगाओगे तो और भी बेटर है आपके लिए। अभी देखो ये मसाला तैयार हो रहा है, ठीक है, बाल्टी, पानी, रोड़ा और ईंट बदरपुर। अब उसको क्या करेंगे, हम इसके ऊपर डाल लेंगे तसले से ना। ये भाई आप जो खड्डा कर रहे हैं करने के लिए दो तीन बंदे लगाए थे ना आपने, आप जेसीबी की हेल्प से भी कर सकते हो, ये बहुत सही पड़ेगा आपको। अब मैं लेते चलता हूँ आपको पुराने वापस अपनी वीडियो की तरफ। तो भाई देखो ये वाला वो पॉइंट है जो टी पॉइंट वाला पॉइंट है, यहाँ से पानी डाल सकते हैं अंदर से, तो कनेक्शन का पानी आएगा ही आएगा। फाइनल दिखाता हूँ आपको कैसे ये रिज़ल्ट बना एक्चुअल में, जो सीमेंटेड हुआ है ना सारा कुछ, तो इस तरीके का ये ढक्कन हो गया उसमें। भाई अगर पसंद आए तो लाइक करना भाई, और मेरी पुरानी वीडियोस को भी देखना, आपको आइडिया मिलेगा कैसे आप सोप